हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं एकदम बेहतर, एकदम बढ़िया। और आज मैं जा रहा हूँ विष्णु मंदिर, क्योंकि वहाँ पे भागवत चल रहा है और 19 तारीख से ही शुरू हुआ था। मैं 2-3 दिन नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस थे, लेकिन मैं आज आया हूँ और मैं आज सोचा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा इस पर और आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँगा कि थाईलैंड में हमारे इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशंस को कितने सीरियसली फॉलो किया जाता है, कितनी अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है। और आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाकई में इतना भी इंडिया में देखने को नहीं मिलता है जितना आप यहाँ पर देख लिए। इस तरीके से इतनी खुशी से लोग फॉलो करते हैं, लोग रिलीजन को मानते हैं। तो अभी तो भागवत चल रहा है, 19 से शुरू हुआ है, 25 को ख़त्म हो जाएगा। और मैं 3 दिन लगातार इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और ऐसा लगा कि हाँ, इंडिया से दूर नहीं हूँ, इंडिया में आ गया वापस। तो इतनी इतनी अच्छी वहाँ पे कथा सुनाई जाती है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, लोग सुनते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखिए और आप समझिए कि थाईलैंड के 100 साल पुराने मंदिर में, विष्णु मंदिर में, हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू ट्रेडिशंस को कितने अच्छी तरीके से लिया जाता है। सो चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, ओम चंद्रमा मनसोजात शक्षोः सूर्योजायत श्रोत्रायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। आरती वाले कृष्ण की जय।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस समय मंदिर पे हूँ, विष्णु मंदिर पे, और यहाँ का इतिहास भी 100 साल पुराना है। जब हिंदुओं ने यहाँ पे स्थापना की थी आर्य समाज की, तो विष्णु मंदिर की भी स्थापना उसी वक्त हुई थी। और भागवत चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, 19 तारीख से शुरू हुआ है और 25 तारीख को इसका आखिरी समापन होगा। तो आज श्री कृष्ण जी के जन्म का वर्णन हुआ था भागवत में और बहुत ही सुंदर कथा हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा और आप लोगों को पसंद आया। और मैं कल फिर आऊँगा, और अभी 3 दिन और हैं, तो मैं 3 दिन लगातार इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब पसंद आया।